श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्णचन्द्रं भजे राधिकानायकं कृष्ण जंगले अच्युतं रमणारायणं अच्युतं रमणारायणं कृष्णदामोदरं वसुदेवं भजे कृष्णदामोदरं वसुदेवं श्री श्री गोविंददास कृष्ण बलराम श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुधामारण की जय श्री श्री राधा कृष्णचंद्र श्री लक्ष्मण सिंहदेव की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय श्री गुरुदेव की जय संबित गौर भक्त की जय निधाई गौतमानंदे हर गोष्ठ स्मृति कोटि हर गोष्ठ स्मृति कोटि हर गोष्ठ श्री गुरु शिवराम श्री नारायण नमस्कृत नरण चुनरतमं देवी सरस्वती व्यासूजयत वेदे रायणे सैव पुराणे भारते तथा आदुचंती च मध्ये चारी सर्वत्र गीयते मोकं करोति वाचारं भंगों लंघयति यद्रूपास्तमं वंदे श्रीगुरुदनधारिणे परमानंदमाधव नम ओं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिस्वरूपदं स्वामिनि दिनामिनि नम सद्भक्तमणे मणिपुरौद्धवाच प्रभुपादलसद्वाणी प्रचार निरताय ते नम ओं विष्णुपादाय कृष्णभ्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि दिनामिनि नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदशधारिणि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृंदाय तुलसीदेवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदेवि सत्वती नमो नमः मनोजवं मारुततोल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं बातात्मजं वानरदूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे श्रीरामदूतं नीलांबुजं श्यामलकोमलाङ्गं सीताशमारोपितवामभागं बाणोर्महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं हे कृष्णा जयतना प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवकवृन्द श्री कृष्णा प्रभो नित्यानन्द
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम् दशम स्कंद पचस्त्री अध्याय श्लोक 38 जहास भीमस्तं दृष्ट्वा जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे स्त्रियो नृपतयो परे निवर्जमानाप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवर्जमानाप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा उपदो परे निवर्जमानाप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदितः जहास भीमस्तं दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवर्जमानाप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदितः श्लोकर अनुवाद वत्स परीक्षित ताहा देखि भीम हसी उठुथिले एवं रमणीगण राजा माने और अन्यान्य माने मध्ये हसीथिले महाराज युधिष्ठिर सेमानंकु निवृत्त करिबाकु चेष्टा करिथिले किंतु श्रीकृष्ण तांकर अनुमोदन प्रदर्शन कले हरे कृष्ण अवस्था वाक्य सदन मध्ये मातृवृंद आपण मानक आम भागवत कथा को स्वागत जना जाउछि ए कथा चलिसंति इंद्रप्रस्थरे वर्तमान दिल्ली सेठ कथा चलिसंति तेणु राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज करिथिले समग्र पृथ्वीर सम्राट हेले एइभळि भावरे राजस्व यज्ञ संपन्न परे जो माने आसीथिबा राजा माने देवता माने एवं मुनि ऋषि माने विभिन्न लोकरु विभिन्न सब वासी माने सब आसीथिले सेमाने सब विदाय नेले एसु वर्णना करा जायछि तेणु ए गला परे केते जन को युधिष्ठिर महाराज विदा देले नाही जो माने तांकर अत्यंत निजर व्यक्ति एवं विशेष भाव भगवान कृष्ण को से विदा देले नाही तेणु से माने सब रही थिले सेही समय घटना वर्णना करा जाउछि गोटे दिन दुर्योधन मध्ये सेट थिले दुर्योधन मानी गतकाली शोक आम आलोचना करथिले मानी मानी बौद्ध जगत समस्त भावती आम आमको सम्मान प्रदर्शन करवाटा उपयुक्त कारण आम बहुत उन्नत स्तर ये मानी ये मानी कहता है से मानकर ज्ञान हो भाव प्रकृत ये अज्ञान
भगवद्गीता 13 अध्याय 8 रु 12 ए 5 श्लोक रे जत भगवान ज्ञान विषय कहते सेत से प्रथम कहते अमानित्यम ये हूँ ज्ञान अज्ञान जदतु अन्यथा अमानित हूँ ज्ञान मानित हूँ अज्ञान यही भाव में 20 कथा विषय कही ज्ञान ये समुदाय समस्त ज्ञान हूँ यही भाव भगवान सब ज्ञान देदे जाओ ये दुर्योधन को मानि बोली कहला गत काली आम आलोचना करें कि भाव में दुर्योधन बहुत क्रोध प्रकाश करण ये सब ऐश्वर्य देखकर सी तार क्रोध आसी जाता इतनी ऐश्वर्य कहीं मोर कहीं ना ये ऐश्वर्य यही भाव में क्रोध आसी तेणु खड़ग हस्त्र धारण करी मुकुट परिधान करी माला परिधान करी भाई मान सहित परिवृत होकरी से बहुत क्रोधरे आसुले गत काल श्लोक थिला तेणु यू वर्तमान आरंभ होती कौन कहते ना जिते बड़े आसिले गत काली आम आलोचना करें कि भाव में मयदानव यह सभा निर्माण कर स्थलटा जल भाया दिश एवं जलटा स्थल भाया दिशु आम देखा भगवान व्यवस्था रे आम खरा दिन देखा रास्त जो गाड़ी चलाऊे देखा जो आगे जल अच्छी कि देख ला बेल जल ना स्थल भगवान ये व्यवस्था कर रिफ्लेक्शन सूर्यर प्रतिफलन यही भाव में स्थलटा जल भतीत हुए तेणु सी मैं भाव में मायदा आनब तर माय विषय बहुत ज्ञान रही तेणु यही भाव से निर्माण कर साधारण भाव में जड़े स्थल को स्थल भेल देख जल को जल भेल देख किंतु जो मान विशेष भाव में भ्रांति हो जा विशेष भाव में क्रोध आसी जाने बुद्धि नष्ट से ठीक भाव में वस्तु को जापर ना तेणु दुर्योधन अवस्था से भाव होता विशेष भाव में ये जो रही दुर्योधन जो रही भगवान माया मध्य रही मयर माया रही लोकपाल मान माया रही भगवान माया रही भगवान मायारे समस्त मोहित होती भगवान मायारे तेणु ये आम कहते गत काली जो आलोचना करते बड़े भाव में बहुत प्रकार असभ्य भाव में आचरण कर असंकोच भाव में प्रवेश करुले सभा भितर से स्थल को जल भली भाविक पड़े पुणी जल को स्थल भली भाविक पड़े एवं कबाट जो रही कबाटा लगुला यहाँ खोला अच्छे कि प्रकृति से बंद अच्छे तेणु जो पशिजाप बसिले से मस्तक मस्तक आघात होतापर जो चिंता कले गोटे कबाट खोला था सीटा आस भाविले यहाँ बंद अच्छे यही भाव में युव कथा आलोचना करते पूर्व वर्णना करेणु ये कहूँ यही भाव जो सी अपदस्थ हो गले से जहास भीम स्तंग दृष्टुआ जहास कहले बहुत जोर हसिले जहास खाली हास नुह जहास विभिन्न प्रकार हस रही तेणु ये जहास जहास कहले जोर हसिले जन आचार्य कहते भीम से तले पड़गले से पाखे बस भीम तेणु सी जोर हसिले प्रथम भीम कथा कह जा जहास भीम स्तंग दृष्टुआ यटा को देखी भीम बहुत जोर आसे भीम को महाभारत वर्णना कर दुर्योधन पिला दिन मारे व्यवस्था करते भीम छोट पा से समय विष लडू दे विष लडू देकर भीम बहुत खाद्य प्रिय लोभ बहुत खाद्य तेणु ये लोभ देखी विष लडू दे तेणु से भगवान व्यवस्था भीम मृत्यु परिवर्ते सी अधिक बल प्राप्त हले
ଏସବୁ କଥା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଯାଇକରି କ'ଣ ଏଇ ଗଙ୍ଗାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ସେ ଗଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ଗଙ୍ଗାଟା ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଧୌତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ଭାରତବର୍ଷର ଇଏ ଗୋଟେ ମହାନତା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନଦୀ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗେଜ ଯମୁନେ ଚୈବ ଗୋଦାବରୀ ସରସ୍ୱତୀ ନର୍ମଦେ ସିନ୍ଧୁ କାବେରୀ ଜଳେଶ୍ୱିନ ସନ୍ଦପୁର, ଏସବୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନଦୀମାନ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ମହାନଦୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହାନ ନଦୀ, ଭାଗବତ ଦୁଇ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମହାନଦୀର ମହାତ୍ମା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନଦୀର ଜଳ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପାନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏସବୁ ଆମର ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀ ତଟରେ ବସିକରି ଭଗବାନ କଥା କହୁଛେ। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଭଗବାନ ପାଦକୁ ଧୌତ କରି ଚିର ଜଗତରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ 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 ଦେଇକରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିକରି ପାତାଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭୀମ ସେହି ସ୍ରୋତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଯାଇକରି ପାତାଳ ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକରି ପାତାଳ ଲୋକରେ ସବୁ ସର୍ପମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ପମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଆସି ତାକୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ, ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଲେ ବିଷର ବିଷ ହେଉଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ବିଷର ବିଷ ହେଉଛି ଔଷଧ। ଯେଉଁ ବିଷ ଜଣେ ବିଷକୁ ଜଣ ବିଷକୁ କେମିତି ଭଲ କରାଯାଏ ନା, ବିଷକୁ ବିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସର୍ପମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲେ ସେ ବିଷରେ, ସେ ଯେଉଁ ବିଷ ଲଡ଼ୁ ଖାଇଥିଲେ ସେ ବିଷ ଚାଲିଗଲା, ଦୂର ହୋଇଗଲା, ଭଗବାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଭୀମ ପୁଣି ଜୀବନ ଲାଭ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ସର୍ପମାନ ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ପକୁ ସେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ବାସୁକି, ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ବିଭୂତି, କ'ଣ ସର୍ପାଣାମ ଅଛି ବାସୁକି, ସର୍ପମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାସୁକି। ତେଣୁ ସେ ସେଠିକାର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ, ସେ ଖବର ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବୃହତ ସର୍ପମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ଆଣିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଇଏ ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବର୍ଷ ପରମ୍ପରାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଗଲା। ସେଠି ସବୁ ରହିଛି ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଅମୃତ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡ ପାନ କଲେ ଗୋଟିଏ ହଜାର ହାତରେ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଠଟି ଅମୃତ କୁଣ୍ଡକୁ ସେ ପାନ କଲେ, ଆଠ ହଜାର ହାତୀର ବଳ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ମୂଳରୁ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କର 2000 ହାତୀର ବଳ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10000 ହାତୀର ବଳ ଧରିକି ସେ ଫେରିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚିନ୍ତା ମହାଭାରତରେ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକିରି ଅନ୍ତିମରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବାରଣାବର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲକ୍ଷରେ ତିଆରି, ଲକ୍ଷରେ ତିଆରି, ଯେଉଁଟା ନିଆଁ ଧରିଲା ମାନେ ହୁତୁହୁତୁ ହେଇ ଜଳିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାଙ୍କର କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଭୀମ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏଭଳି ଭାବରେ ଭାବ ରହିଛି, ଶତ୍ରୁତା ଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା ବହୁତ ଜୋର ହସିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ଯାହା ଭୀମ ତାମ ଦୃଷ୍ଟୁଆ ଏଇ ଘଟଣାଟିକୁ ଦେଖିକରି ଭୀମ ହସିଲେ, ଜୋରରେ ହସିଲେ, ଖାଲି ହସିଲେ ନାହିଁ, ଜୋରରେ ହସିଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଇଛି ବା ଏଇଭଳି କିଛି ଭାବୁଥିବେ। ତାଙ୍କର ଟିଟ୍ ଫର୍ ଟ୍ୟାଟ୍ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଆମର ସାଧାରଣ ମାନେ ସାଧାରଣ ନିୟମ ହେଉଛି କ'ଣ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ହଁ, ଏଇ ରହିଛି ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ରହିଛି, ନ୍ୟୁଟନ ଥାର୍ଡ ଲ ଅଫ୍ ମୋସନ କୁହାଯାଉଛି କ'ଣ ନା, ଫର୍ ଇଚ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକ୍ ମାନେ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ।
तेणु ये साधारण भाव नियम कि भक्त कथा अलग भक्त कथा अलग भक्त ये नियम आसुना किंतु साधारण भाव टिट फॉर टैट जड़े जो भाव व्यवहार करवहार करवा यहाँ नियम साधारण भाव नियम यहाँ हूँ तेणु भीम हसिले जहास भीम स्तंग दृष्टवा ये दृश्य को देखिले तेणु हसी पकड़े साधारण तो समस्त हसा आसब जो मैंने बहुत बहुत कौन बहुत उन्नत स्तर अच्छा से मैंने हस को बंद करेंगे जमी युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर महाराज हसिले ना बर मन दुख कले पर दुख देखिले जड़े हसुच्च मैंने से मानते उन्नत नुहत जो मैंने वैष्णव से मैंने पर दुखे दुखी पर दुख देखिले से खुशी हे ना बर पर दुख देखिले से दुखी हे पर सुखरे से सुखी ये हूँ वैष्णव वैष्णव आचार हूँ यहाँ युधिष्ठिर महाराज से भाव जन कौन आदर्श सम्राट थे तेणु सी खुशी है ना बहुत मन दुख कले कथा आसो ये किंतु साधारण भाव यही भाव दुर्योधन विरुद्ध सब प्रकार व्यवस्था करेणु से भावुले ये आम शत्रु कि युधिष्ठिर महाराज सी जड़े धर्मराज सी क्या शत्रु भी भाव युधिष्ठिर महाराज गोटे नाम हूँ अजात शत्रु ये हूँ भक्तर लक्षण हूँ यहाँ भागवत तृतीय स्कंद पचीस अध्याय कपिलदेव तक माँ को कही भक्तर लक्षण विषय कहते कौन ना भक्त किमें जानवा ना से तितिक्षव कारुणिक श्रुद सर्वदेना अजाद शत्रव सांता साधव साधुभूषण से मैंने सबकि सहबे तितिक्षव खाली जे विरुद्ध यमी दुर्योधन बहुत प्रकार चक्रांत कर युधिष्ठिर महाराज प्रति किंतु जे युधिष्ठिर महाराज खाली जे सही थे नुह ताक प्रति कृपा करने चाहूँगे तेणु दायित्व देते ट्रेजरी दायित्व से थे पूर्व वर्णना कर राजस्व यज्ञ तेणु से कृपा करेंगे ये हूँ वैष्णव गुण तितिक्षव कारुणिक सुहृद सर्वदेना समस्त जीवन प्रति सी हूँ सुहृद बंधु तक कमी उपकार से चिंता करेंगे एवं अजात शत्रव तांकर कौन सी शत्रु जात ही नांदी यदि कौर मैने मूल रूर शत्रुता आचरण करुले कि युधिष्ठिर महाराज तुम शत्रु बोली भाव नए तेणु अजात शत्रु शांता से मैंने प्रकृत में भक्त मान शांत सब परिस्थित से शांत आउ कई शांत हो पारे ना चैतन्य चरिताम वर्णना कर साधारणत तीन चार प्रकार व्यक्ति रही जमेंट किए ना कर्मी ज्ञानी जोगी एवं भक्त तेणु ये कर्मी ज्ञानी जोगी ये तीन जन जाक शांत हो पारे ना भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल अशांत भुक्ति कहले साधारणत शतकड़ा अनुशत भाग लोक होती कर्मी शतकड़ा अनुशत भाग लोक कर्मी नुहति से विकर्मी प्रकृत कर्मी से नुहत तेणु आउ जी रे भितर शतकड़ा अनुशत भाग लोक होती कर्मी कर्मी कहले वेदरे जो कर्मकांड धारा रही से अनुसार से जीवन जापन करती उन्नत लोक को जीवापी तेणु तर जेहतु कामना रही शांत हो पारे ना अशांत से ही भाव में मुक्तिकामी जो मैंने ज्ञानी माने से माने मुक्ति प्राप्त होने चाहती से माने मतलब शांत नुहति कारण तक मुक्ति मुक्ति कामना रही जो मैंने योगी तर कामना रही अष्टांग योग सिद्धि तेणु चैतन्य चरितामृत वर्णना कर भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत एम समस्त अशांत किंतु कृष्ण भक्त निष्काम भगवान भक्त जी तर कौन कामना नहीं अतएव शांत तेणु से शांत भक्त ये हूँ लक्षण से शांत अजाद सत्व शांता साधव साधु भूषण ये हूँ साधुकर भूषण साधु लक्षण ये पुणी हूँ गौण लक्षण मुख्य लक्षण रही आम से बर्तमान कहवा ना तेणु ये जो रही युधिष्ठिर महाराज से युधिष्ठिर महाराज हसी नुन मैंने सब हसिले
जहाँ स विमस्तम दृष्ट स्त्रियो नृपत परे स्त्रियो राणी मान सुथिले भगवान को राणी मान सीट अच्छा भगवान कृष्ण रही 16108 राणी रही तेणु से राणी मैंने अन्य माने स्त्री लोक मैंने जैसे द्रौपदी एवं दुर्योधन युधिष्ठिर महाराज अनेक स्त्री रही आम आलोचना करुले पांडव मानकर अनेक प्रकार स्त्री अनेक सब स्त्री रही अन्य मान सब आसी राजा मान सब आसी स्त्री मैंने से यही भाव ये समस्त हसाप आरंभ कले प्रथम भीम हसले कारण से भीम न हसी था से हसी न था कहीं स्त्रीलोक मैंने केमी हसबे गोटे पब्लिक स्थान में स्त्रीलोक मैंने केमी हसबे से मैंने लज्जा भाव हस को चापिक रखे हस आसिले मत हसबे ना किंतु ये जेहेतु भीम हसाप आरंभ कले भीम तक मुख्य व्यक्ति साधारण व्यक्ति नुहत भीम तेणु खाली हसिले ना जोर हसिले तेणु स्त्रीलोक मैंने हस आरंभ कले जदा आचरण श्रेष्ठ सत्यदेव तरजन श्रेष्ठ व्यक्ति जो भाई भाव आचरण करेंगे अन्य मैंने से अनुसरण करेंगे तेणु स्त्रीलोक मैंने हसाप आरंभ कले एवं नृपतयो नृपतयो कहले अनेक राजा मैंने सब थे आम आलोचना करते जमी द्रुपद राजा कोशल राजा एम सब भगवान समूह युधिष्ठिर महाराज सब अत्यंत आपणार सब राजा सब थे तेणु नृपतयो से हसाप आरंभ कले यही भाव में सुखदेव गोस्वामी वर्णना करे प्रथम हसिले किए हसिले किए हसिले ये सब वर्णना कर सुखदेव गोस्वामी मानने कौन आंख देखा हाल कौन रिले करमती आम क्रिकेट कमेन्ट्री दि जाऊँगी भाव सुखदेव गोस्वामी एटिकार कमेन्ट्री दौरान राजस्व यज्ञ यही भाव घटना होता प्रथम भीम आसिले स्त्रीलोक मैंने आसिले राजा मैंने आसिले नृपत अपरे राजा कहले युधिष्ठिर महाराज को छाड़देले अन्य राजा मान सब आसपा आरंभ कर नृपत अपरे तेणु एवं निवारयमाण अपि अंग किंतु युधिष्ठिर महाराज चाहू नथिले एवळी भाव में युधिष्ठिर महाराज ए असुविधा पड़ जाइछंती प्रति हसीबा ए साधारण जन व्यक्ति नुहंती जन राजा ये होछंती मानी मानी राजा ये होछंती हस्तिनापुर राजा तेणु युधिष्ठिर महाराज चाहू नथिले ए सी अपमानित हुंती तेणु निवार्य माणा विभिन्न प्रकार संकेत देखेकरी देखे हस 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 निवार्य माणा अपि जदिओ से युधिष्ठिर महाराज निवारण करथापि से हस अपि अपि शब्द यहाँ बुझा जाऊँगी प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कह ये भागवत शास्त्र सामान्य शास्त्र नुहति समस्त शास्त्र रचना कर सारे व्यासदेव शांति प्राप्त हो पार तेणु जो भागवत शास्त्र को रचना कले से शांति प्राप्त है तेणु यही आम जानवा भागवत महिमा भागवत सब योग्य योग्य वक्ता रही योग्य श्रोता सब रही आमर कौन योग्यता ना कि विभिन्न प्रकार आचार्य मान कथा कहते तेनासार कथा कहते आम मन कल्पना कर कथा तेणु ये आम सनातन गोस्वामी कह कमी वर्णना कर टीका देखा कह तेणु निवरे मान अति मना कले तथा से हस रोक पारे ना एक तो दुर्योधन विरुद्ध सब कार्य करुले राजा मैंने मत सब जानते द्रुपद राजा जे कि द्रौपदी पिता से सब थे आ पूर्व सब वर्णना कर तेणु समस्त जानती समग्र पृथ्वीर राजा मैंने सब जानती किभली भाव में दुर्योधन एवं कौरव मैंने पांडव मान विरुद्ध विभिन्न प्रकार चक्रांत करुले हत्या करने उद्यम करते जो तर भेदभाव रही भगवद गीता आरंभ में धृतराष्ट्र महाराज सेटा कही आरंभ में महाभारत युद्ध में धृतराष्ट्र महाराज कहले संजय को कहले कहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युधिष्ठिरा माम का पांडवास्तव किम कुर्वत संजय तांकर भाव प्रकाश पाई गला दूसरा आमर जो भाव रही आम सब गोपन रखिपरिया ना
କୌଣସି ନା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ, ଆମର ହୃଦୟର ଭାବଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜଙ୍କର ହୃଦୟର ଭାବ ରହିଛି, ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ପିଲାଦିନେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସ୍କୁଲରେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ସବୁ ଯାଉଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଅନୁମତି ନେଉଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ମା' ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ନେଇଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହା ବୀରରଣେ ଧରଣୀ ବକ୍ଷୁ ପାପର ହେଉ କ୍ଷୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିଥିଲେ, ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମା ହେଇକି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ କହିଲେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଅଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେଉ, ଧର୍ମର ଜୟ ହେଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ନାହିଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ତୁମେ ଜୟଲାଭ କର, ବିଜୟ ଭବ, ଏ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା, କିନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର ମନୋଭାବ କିଭଳି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ସେ କହିଲେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ, ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଲା ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, କାରଣ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ରହିଛି। ଏହି ହେଉଛି ତୀର୍ଥ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଏଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ପାଦ ଏଇଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି, ପାଦ ପଦ୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଇଏ ରଘୁନନ୍ଦନ ଧାମରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଜଙ୍ଗମ ତୀର୍ଥ, ସେ ଯେଉଁଠିକି ଯିବେ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୀର୍ଥରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଏକଥା ଭାଗବତ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧ 13 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ବିଦୁରଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ, ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଏଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା, 2006 ମସିହାରେ ଗୁରୁଦେବ ଏଠିକି ଆସିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା, ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା। ସେ ଯଦି ନ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏ ସ୍ଥାନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏସବୁ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମା ରହିଛି। ଭଗବତ ଗୀତା 8ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାହାର 5ଟି କାରଣ ରହିଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଅଧିଷ୍ଠାନମ, ଅଧିଷ୍ଠାନମ କହିଲେ ସ୍ଥାନର ମହାତ୍ମା ରହିଛି, ତଥା କର୍ତ୍ତା ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କରଣଂ ଚ ପୃଥକ୍ ବିଧମ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ କରଣ ବା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ ମାଇକ୍ରେ କଥା କହୁଛେ, ଏ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ। କରଣଂ ଚ ପୃଥକ୍ ବିଧମ ବିବିଧାସ୍ତ ପୃଥକ୍ ଚେଷ୍ଟା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ, ଭଗବାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି, ଦୈବଂ ଚୈବାତ୍ର ପଞ୍ଚମମ, ଏ କଥା ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ଥାନର କଥା କ'ଣ ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା ନା, ଏ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେ ଭୁଲିଗଲି କ'ଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନର କଥା ଆସିଗଲା। ଯାହା ହଉ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେଇଠି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟି ହେଲା, ଏ ଘଟଣାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଅସୁକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଭୀମ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଜୋରରେ ଆସିଲେ, ଖାଲି ଜୁହାସ ଖାଲି ଧୀରେ ଆସିଲେ ନାହିଁ, ତା ନୁହଁ, ଜୋରରେ ଆସିଲେ। ତେଣୁ ଏମାନେ ସବୁ ଏ ଦ୍ରୁପଦର ଆଦାୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କର ନିଜଧନ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମହାରାଜ ସେ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମନର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଧର୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତି ଜିତିବେ, ତଥାପି ହୋପ୍ ଏଗେନଷ୍ଟ ହୋପ୍, ତାହାଙ୍କର ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଆଶା ବିଫଳ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଆଶା କରୁଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସେଠି ଭୀଷ୍ମଦେବ ରହିଛନ୍ତି, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, କର୍ଣ୍ଣ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନେ ଆମକୁ ଜୟଲାଭ ଦେବେ, ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ କହିଲେ, ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରେ ସମବେତା ଯୁଦ୍ଧ ସଭା, ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି,
एगार अखंडी सैन्य कौरव मान पक्षर एवं पांडव मान पक्षर सात अखंडी सैन्य उपस्थित थे। गोटे अखंडी सैन्य संख्या हूँ 218,700। यही भाव में 40 लक्ष ऊर्ध सब सैन्य मान से उपस्थित थे। 18 लक्ष 18 अखंडी कहले 218,700 को 18 गुणले जी हम से 40 लक्ष ऊर्ध सैन्य मान से उपस्थित थे युद्ध करने महाभारत युद्ध आ पर युद्ध बंद हो गया आज युद्ध होना भगवान पिला दिन युद्ध करुले विभिन्न असुर मान हत्या कर 6 दिन जो होते पुतना को हत्या करते पुतना को हत्या कर माँ स्थान दे खाली हत्या करते नुह माँ गति प्रदान करते 6 दिन वर्तमान ये जो महाभारत युद्ध हम से समय भगवान बयस पाखापाखि 90 वर्ष होता तेणु ये हूँ अंतिम युद्ध महाभारत युद्ध तेणु ये युद्ध पर सब युद्ध अवश्य आते युद्ध रही नापर आ कौन युद्ध नहींपर आ कौन युद्ध ना शांति स्थापन है पृथ्वी शांति स्थापन है युधिष्ठिर महाराज सम्राट हेले तेणु शांति स्थापन है समस्त शांति रे एक सब आस महाभारत सब वर्णना करेणु से कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समभेद माम का पांडव सैव आमर कथा भाव था यहाँ ये हृदय भावटा प्रकाश पाइला माम का ये मैंने मोर पुत्र ये हूँ माम का पांडव ये हूँ पांडुकर पुत्र भाई पुत्र भेदभाव था भेदभाव था भगवद गीता षष्ठ अध्याय भगवान कहते जो मैंने उन्नत स्तर अच्छा से मैंने ये भेद तर रहा षष्ठ अध्याय जो भगवान ध्यान जग विषय कहते से कहले जे कौन जो मैंने श्रेष्ठ जोगी जो मैंने से कौन ना समस्त को से समान भाव देखिए समस्त को भेद आसवना ये हूँ जो मैंने उन्नततर जोगी साधारण जोगी नुहति जो मैंने उन्नततर जोगी से मैंने समस्त को समान भाव देखिए कौन से श्लोक आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परम मत से श्रेष्ठ योगी आत्मपम्येन आम जी निज शरीर पर चिंता करूचे सेमती अन्य मानी चिंता करवा आत्मपम्येन सर्वत्र समं पश्यति जो अर्जुन यही भाव समान भाव जो देखती कौन समं पश्यति सुखं वा यदि वा दुःखं सुख अवस्था हो दुख अवस्था हो सहयोगी परम मत से हूँ परम योगी ये कथाटी जो कहले भगवान अर्जुन को अर्जुन बुझिपारे ना अर्जुन कहले प्रभु ये जो योग कथा आप कहते ये मुझे देखिपारना जो यं योग तया प्रोक्त सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचल स्थिति स्थिर आमर मन बहुत चंचल से आम ये सौम्य अवस्था को चिंता करें किंतु भगवान कहले यहाँ हो पार अभ्यास कले साम्य अवस्था को आसपार जमी युधिष्ठ महाराज साम्य अवस्था थे कि धृतराष्ट्र महाराज नथिले मन भाव प्रकाश पाइला माम गा पांडव आश्रय किम अकुर्वत संजय कौन कले यही भाव में भगवद गीता आरंभ धृतराष्ट्र महाराज यहाँ कही भेदभाव रही तेणु जड़े यदि उन्नत स्थितर नहांती भेदभाव रेदभाव रु जो मैंने उन्नत भक्त भेदभाव रेदभाव कहल ना श्लोक कह जा बहुत शास्त्र वर्णना करेणु यही अवस्था यही भाव जो सी अपदस्थ हो गले सब भसवाप आरंभ कले राजा कृष्ण अनुमोदिता ये कौन सुखदेव गोस्वामी जो वर्णना कर सुखदेव गोस्वामी आनंदित हो जाऊँच सी मत दुखित होना ये गोटे श्लोक अच्छा भागवत षष्ठ सप्तम स्कंदे नवम अध्याय थे श्री प्रभुपाद महाराज आमर जो कालकाटे उलट डंगा रही हूँ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आश्रम से आश्रम को प्रभुपाद महाराज जाते से आश्रम गोटे साप पशिगला
साप जिते पशिगला से समय जो भक्त मान सब थे सब हो हाला हाला हो हाला हाला तेणु ऊपर महला रही थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज सी आसिक देखिले बालकनी के आसिक देखिले यही भाव सापटे आस तेणु सी कहले कि तुम तो हत्या कर यही भाव हत्या करागला कि प्रभुपा महाराज जो शुणिले कथा मनरे गोटे चिंता आसला से कहले ये जन एत उन्नत साधु केमी कौन तक हत्या करने जीवे दया नाम रुचि सर्वधर्म सार ये गोटे रही तेणु तर मन सन्देह था कि भागवतम सप्तम स्कंद नवम अध्याय श्लोक जो शुणिले से जाणिले साधु व्यवहार में कौन सी त्रुटि ना प्रहलाद महाराज एक कौन भगवान नृसिंहदेव को ये श्लोकटी अच्छा कौन मोदते साधु रूपी वृश्चिक सर्प हत्या एमती कि साधु मान मोदते कहले आनंदित हमारी कि कौरे ना वृश्चिक सर्प हत्या बिछा कंकड़ा बिछा सर्प को जो हत्या कराए साधु मान आनंदित हम तेणु यहीटा जो देखी दे प्रभुपाद महाराज से जाणिले प्रकृत में साधु मान आनंदित हम तेणु ये घटन सुखदेव गोस्वामी भाई साधु आनंदित होती केमी कह साधु भी आनंदित होती ना अंग अंग शब्द व्यवहार कर आचार्य मैंने टीका कही अंग कह उद्देश्य सी मैं खुशी हो जा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित परीक्षित महाराज मत से भाव आनंदित हो जाऊँगी कथा शुणिकी ए कथा खाली शुणुना पान करुले कथा यह घटना सब हो पान करुले कथा पान भागवत कथा अमृत को पान करुले से माने सुखदेव गोस्वामी अंग शब्द जो कहले अंग शब्द अर्थ हो कौन किए कहीपर आम शरीर विभिन्न अंग अच्छी ना से भाव परीक्षित महाराज को से अंग भी संबोधन करमती आम शरीर अंग आम बहुत प्रिय हाँ से भाव परीक्षित महाराज अंग भी संबोधन करत्यंत प्रिय बोली संबोधन कर कारण परीक्षित महाराज मध्य शुणी आनंदित होती सुखदेव गोस्वामी शुणी आनंदित होकर अंग शब्द व्यवहार कल आम शुणा आचार्य टीकार कौन मु मन कौन टीकार यहाँ सब रही तेणु राज्ञा कृष्णानुमोदिता राज्ञा कहले युधिष्ठिर महाराज सम्राट सी निवारण कले हसिया हस बंद कले ना हसिया आरंभ कले हस तेणु किंतु कृष्णानुमोदिता यहाँ हूँ सब बड़ कथा भगवान भगवान कौन चाहती भक्त सहीटा कर कृष्णानुमोदिता भगवान अनुमोदन कले ये जो हस हो भीम हसिले स्त्रीलोक मान हसिले राजा मान हसिले अन्य अपरे अपरे कहले अन्य मुझे छाड़ दे प्रति श्लोक प्रति अक्षर नाना अर्थ कह अपरे कहले आचार्य मैंने कही अन्य सब रही थे ताकर राजा जो सेवक मान सब थे ये सब अपरे सब थे से हसले जदिओ युधिष्ठिर महाराज मना कर भगवान कृष्णानुमोदिता कृष्ण शब्द कहीं व्यवहार करागला कृष्ण समस्त को चित्त को आकर्षित करी सब उपस्थित थे राजा मैंने अन्य सब थे सब उपस्थित थे नारी मैंने सब उपस्थित थे तेनाली कृष्ण को जो देखुं भगवान से बस तेणु भगवान देखिले चित्त आकर्षित हो जाए कृष्णानु भगवान प्रति आकर्षित हो जाए देखुं समस्ते कृष्णानु से समर्थन कर सी निवारण करना सहीटा को बारण करना आचार्य कह भगवान चुप रही से समर्थन कले ना का मना कले ना परस्पर आसा भगवान चुप रही कहले मौन सम्मति लक्षण मौन जन रोज मैंने सम्मति बुझाक पड़ो सब कथा कह जाए ना समझदार के लिए इशारा काफी है समझदार व्यक्ति मान इशारा काफी बहुत कथा है सब कथा कह दरकार पड़ो ना तेणु ये कृष्णानुमोदिता शब्द रू बुझा जा भगवान ये अनुमोदन करमोदन भगवान कथा को समस्त बुझीपर ना भगवान कर्म हो दिव्य जन्म कर्म तमें दिव्य
यू जो मैंने तत्व जानवे से शरीर त्याग करेंगे से भगवान धाम को जीवे भगवद गीता चतुर्थ अध्याय भगवान कहले जन्म कर्म तमें दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वता तक्का देह पुनर्जन्म नईति मामे विसर्जन से शरीर त्याग करेंगे से भगवत धाम को जीवे मानव जन्म सफलता होता सिद्धिप्राप्त हे से तेणु भगवान कर्म को बुझा एत सहज नुह जन्म भगवान कर्म को बुझा एत सहज नुह किंतु कौन जो मैंने ये कौ मैंने जानती ना महाजन जन गत से पंथा महाजन मैंने यू कथ जानती भगवान कहीं कले आम जे आज टीकाकार अच्छा पुनेर से धरीश्वरी भगवान कहीं हसिले भगवान कहीं चुप रही भगवान कहीं बसिले भगवान कहीं चलिए सब कथ दशम स्कंदर को टीका देते यही सब रही शास्त्र आचार्य मान टीका सब रही बहुत कथा भागवतम श्लोक रू आम बुझीपर ना कि भाव को बुझीपर टीका मध्यम सुखदेव गोस्वामी जो कथ कौन भाव कौन टीकार जाना ना आम श्लोक रू जापर ना सब जिन वर्णना करना आम जो कौच आम कौ भाव कौचु से भगवान भक्त मैंने जानती भगवान भाव तेणु कृष्ण अनुमोद भगवान अनुमोदन कहीं कले ना भगवान जो आसती मिशन होटा भगवान जो आसती जदा जदा ही धर्म से ग्लानिर्भवती भारत अभ्युत्थान अधर्म से तदात्मान सुजाम्य भगवान जो धर्म ग्लानि हुए अधर्म अभ्युत्थान हुए भगवान प्रतिजुगर आसती प्रतिजुगर आसती एवं आसिक कौन करती ना परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे प्रतिजुगे आसन्ति भगवान तेणु से आसिक मुख्य उद्देश्य हूँ साधु मान को आनंद प्रदान करेंगे परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता ये दुर्योधन हो जन दुष्कृत व्यक्ति से भगवान शरण जाऊ नाश करने भगवान आ तेणु यही कमी से दुख प्रकाश करेंगे सी चाह भल भाव दुर्योधन रागिकी युद्ध कले से विनाश हे भगवान चाहती दुष्कृत मान विनाश करने भगवान चाहती ना दुष्कृत मान बुद्धि हो साधु मान विरुद्ध से चक्रांत करूँ एवं भगवान आई भगवान मिशन को बुझा पड़े प्रभुपाद महाराज मत से भाव रही मुड एंड मिशन आम भक्ति वेदा भक्ति वैभव पाठ करुचु से रोचे आम जी आम जो कथ को गोटे लेक्चर देवु यदि प्रभुपाद विषय मुड एडमिशन कहगला ना तो मार्क मिलना मुड एडमिशन प्रभुपाद महाराज के संस्था प्रभुपाद महाराज कौन भाव रही प्रभुपाद महाराज कौ उद्देश्य ये स्थापन करते सब आम जाना कारण आम प्रभुपाद धारा योगदान करे प्रभुपाद मुड एंड मिशन कौन से बुझाक पड़ो प्रभुपाद महाराज किभली भाव रे धर्म को स्थापन कर समग्र पृथ्वी रे तेणु भगवान जो भाव रही से भाव रही प्रभुपाद महाराज भगवान से भगवान कृष्ण 5000 वर्ष तले जे आसी से 500 वर्ष तले आसिक सी कहले कथा को भगवान जो नाम सब रही कथा सब रही सारा पृथ्वी प्रचार कर कि भगवान भाव हूँ यहाँ से प्रकाश करदे पृथ्वी दे आचत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हे मोर नाम ये भगवान कौन ओपनली सीधा सड़क भाव कही समस्त को तेणु प्रभुपाद महाराज भाव को बुझिक भगवान नाम को भगवान कथा को समग्र पृथ्वी प्रचार कले तेणु आमर हूँ प्रचार संस्था यहाँ तेणु आम यू भागवत तत्व को बुझा बुझे आम प्रचार करवा न बुझे कौन प्रचार करवा आम तो निजे बुझीना कहगला जन्म सार्थक कर परोपकार आम प्रभुपाद महाराज गोटे कथा कहती जड़े माँ तर दुईट पिला थिले गोटे पिला को बड़ पुओ को निमोनिया मलेरिया मलेरिया सान पु को सान पु ठीक अच्छे सान पुअर आ जन्मदिन तेणु तक माँ बहुत प्रकार खाद्य सब करी खेचड़ी करी सब कर विभिन्न प्रकार मिठा पिठा सब कर सान पु को दौर कि बड़ पु को दौर बागु बाउंट तेणु सान पु भाव मोर माँटा बहुत निष्ठुरा
भाई की दौना भल जिन खाया दौना यही भाव खाली बाली दौर खाया जो शु दौन खाया तेणु सी लुचे सब भल सब खाद्य जो खाद्य सब रही पूरी फूरी उपमा इत्यादि सब दौरान यहाँ खाइबा द्वारा कौन हम तर रोग भल हम ना रोग बुद्धि हम तेनाली भाव बुझे पड़े आम जब निजे जाणीना कौन जिनसा आम कौन प्रचार करवा ये कहला जन्म सार्थक कर परोपकार ये सब बहुत सूक्ष्म तत्व रही भागवत सूक्ष्म तत्व रही सब तत्व को बुझा यहाँ बुझिकी आम प्रचार करवा प्रचार संस्था आम योगदान करे आम ये बुझा कि आम जब न बुझा आम कौन प्रचार करवा माओवाद प्रचार करवा तेणु जहाँ भी हो यही भाव कथा कृष्ण अनुमोदिता भगवान से अनुमोदन कर कृष्ण शब्द से आचार्य मैंने कही टीका समस्त चित्त आकर्षण कर से माने देखुं भगवान चुपचाप रही कि कहूना मना करना कि समर्थन करूना ये भाव धरवाक पड़ो कि प्रकृत में अंतर से समर्थन करेतु से कौन मौन रही मौन समाधि लक्षण बहुत कथा रही समय हो जाए तेणु सनातन गोस्वामी टीकार कहते भीमादीना यथा पूर्व हास्य श्रेष्ठ भीम आदि भीम प्रथम नाम कहगला ना तेणु यही भाव प्रथम भीम आसिले स्त्रीलोक मान आसिले राजा मान आसिले अपर शब्द से सेवक मैंने सब हसा आरंभ कले कृष्ण हसिले ये कह श्रेष्ठ कृष्णन हासे सर्व कौन सर्वचिताकर्षक चिताकर्षक भगवान अनुमोदिता भगवान भाव हसीना कि स्मृत हास्य करेणु सनातन गोस्वामी कहते कृष्ण हासे भगवान हसिले सर्वचिताकर्षक समस्त को चित्त को सी आकर्षण कर भगवान कृष्ण समस्त चित्त को आकर्षण करते कृष्ण शब्द अनेक अर्थ रही तेणु ये कहुची भाव हूँ कौन ना समस्त चित्त आकर्षित हो जा भगवान प्रति भगवान स्वयं रही कौन तर समस्त आकर्षण करेंगे एम सब भक्त मैंने भगवान प्रति जमी लुहा चुंबक लुहा को आकर्षण कै से भाव भगवान भक्त को आकर्षण करती हाँ अभक्त मैंने आकर्षित हमें ना भक्त मैंने देखिले तो भल लगे ना तेणु ये सब भगवान सुंदर रूप से रही बसर कति सौभाग्य आम सब यहाँ कहते जो सौभाग्य से प्राप्त होते सही सौभाग्य आमको प्रभुपाद महाराज कृपार आम प्राप्त होचे ये हूँ भागवत बाणी हूँ अद्वय ज्ञान भगवान से बपु रूप रही बाणी रूप रही बाणी रूप से भगवान रही तेनाली समस्त आकर्षण करेंगे जो मैंने भागवत श्लोक भितर प्रवेश करेंगे से मैंने यही भाव में आकर्षित हे भागवत शास्त्र हूँ ये भाव अद्वय ज्ञान तत्व तेणु सनातन गोस्वामी कहते सर्वचिताकर्षक भगवान अनुमोदिता भगवान ये अनुमोदन करें कहले तेणु श्री कौन नेत्रा श्री नेत्रा श्री नेत्रा द्रस्मिता दिना नेत्रांत अस्मिता दिना नेत्र नेत्र अंतरे नेत्र साइड रे आखिर साइड रे स्मिता रही जना पड़ा स्मिता दिना स्मिता आखिर इशारा आखिर इशारा रही आखिर इशारा रही आखिर मत जो जान कह दरकार ना भगवान ये सृष्टि कर मुख हूँ हृदय भितर मिरर कहजाए फेस इज द इंडेक्स ऑफ द हार्ट आम हृदय कौन चिंता रही मुखर से परिस्फुट हे तेणु चक्षुरे जो इशारा मध्यम से जानपारे सनातन गोस्वामी को स्मिता दिना चक्षुर जो इशारा रे से यू अनुमोदन कले स्मिता हास्य प्रकाश करदे स्मिता दिना प्रेरिता स्मिता दिना प्रेरिता इत अर्थ आर अर्थ हूँ यहाँ तेणु अंग इति श्री भागवत अनुमोदन राज्ञो भी निवारण शक्तिया हास प्रौढ़ अनुस्मरण सहासं सबोधनम कौन ना अंग इति कहीं कहले ना श्री भागवत अनुमोदन
भगवान यू अनुमोदन करज्ञपी निवारण शक्तिया राज्ञा कहले युधिष्ठिर महाराज निवारण कले से अशक्त हस को बंद कर पार ना अशक्तिया हास प्रौढ़स्मरण से हसुले यटा को अनुस्मरण यू स्मरण कर सुखदेव गोस्वामी देखिले देखला पर पुणी स्मरण कर सुखदेव गोस्वामी देखिकी ये सब लीला को वर्णना करती यू जदि 5000 वर्ष तले चली घटनाटी कि सुखदेव गोस्वामी सामना रे आखि आगे से घटनाटी घटी जाऊ कारण भगवान लीला होती नित्य लीला भगवान कौटी लीला बर्तमान चली थी तेणु यहीटा को स्मरण करी अनुस्मरण सहास संबोधन तेणु सुखदेव गोस्वामी अंग शब्द कहले कहार उद्देश्य हूँ सहास संबोधन अंग संबोधन कहीं कहले ना सहास हसिक संबोधन कल सुखदेव गोस्वामी तेणु आम हसिले आ कौन दोष रहा समस्त हसुच्च आम जब हसिले आ कौन दोष रहा हसर कथा ये जो गंभीर हो पार ना तेणु जहा आम समय हो गला आम दुई मिनट भगवान नाम कीर्तन करम कथा विश्राम देवा कार किसी प्रश्न अच्छी ना दुई मिनट भगवान नाम कीर्तन कर विश्राम देवा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama हे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Rama, Rama Rama.
हरे राम हरे राम राम हरे हरे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री राधा कृष्ण चंद्र श्री लक्ष्मी नृसिंह देव की श्री श्री